हेलो गाइस, माय नेम इज अंसर नवाज। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर। मैं आपको पार्ट वन पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको पार्ट टू पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट टू देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था पार्ट वन के अंदर, अब मैं पार्ट टू के अंदर बताऊंगा कि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाएगा। उसका जो स्ट्रक्चर है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपने डू नॉट या डज नॉट लिखना है। जब आप ये लिख चुके होंगे, और ये डज और डू किस बुनियाद पे आपने लिखना है, पहली बात तो यह है कि डज नॉट आपने जब आप डज लिखेंगे तो इसके लिए आपका थर्ड पर्सन होना बहुत जरूरी है। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी और इट, या कोई सिंगुलर नाउन जैसे एमिल, इस्लामाबाद एंड सो ऑन। अब देखिए दोस्तों, जो प्लूरल होंगे, प्लूरल उन पे वहां पे आपने क्या लिखना होगा? डू नॉट या आई और यू, इनके साथ आपने हमेशा क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है। ये आपने याद कर लेना है कि आपने आई और यू के साथ हमेशा डू लगाना है, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट जो होते हैं इसमें गलती करते हैं। पर आपने आगे क्या करना है? आगे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैं कहता हूं कि राइट, गो, डू, ये फर्स्ट फॉर्म है। और एंड में दोस्तों आपने क्या लिखना है? आपने एंड में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो लेट्स डिस्कस इस एग्जाम्पल। तो मैं कहता हूँ कि मैं रोजाना 7 बजे उठता हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सब्जेक्ट आपने ढूंढना है, उर्दू में ढूंढना है। सब्जेक्ट उठना, वर्ब और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई गेट अप एट 7 डेली। अब देखिए, मैंने आई के साथ आई डू नॉट, क्योंकि मैं रोजाना 7 बजे नहीं उठता हूं, आई डू नॉट गेट अप एट 7 डेली। अब देखिए, आपने आई के साथ डू क्यों लगाया? उसकी वजह यह है कि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक ऐसा सिंगुलर है जिसमें आपने डज नहीं लगाना, इसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब नेक्स्ट है, वो दूध नहीं पीते हैं। अब आपने इस पे तवज्जो देनी है, पीता नहीं, पीते हैं, तो यहां पे आप दे हैं, दे। तो आप, मैंने कहा था कि आपने क्या करना है? आपने डू लगाना है, दे टू नॉट, क्योंकि ये दे प्लूरल है। दे टू नॉट ड्रिंक मिल्क, हम रोजाना वर्जिश नहीं करते हैं। अब हम क्या है? प्लूरल है। वी डू नॉट, वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है, और कुछ ऐसी टेक्स्ट हैं जिसकी बुनियाद पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपने बाकी जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है बयान करने होते हैं। इनमें पहले चीज है वो है हैबिचुअल रूटीन। ऐसे सेंटेंस जहां हैबिचुअल रूटीन पाई जाती है तो वहां आपने क्या लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे आई ड्रिंक टी एवरीडे, जहां पे एवरीडे आता है। अब है परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन में आपने क्या करना है? माय फादर लिव्स इन इंडिया, क्योंकि वो परमानेंट वहां पे रहता है। अगला है फैक्ट्स, द कैपिटल ऑफ द यूएसए इज वाशिंगटन, ये क्या है? एक फैक्ट्स है। अगली क्या है? स्टेट्स विद वर्ब, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, अब देखिए ये एक स्टेट वाला वर्ब है जिसमें एक्शन है, विद स्टेट, सॉरी नॉट एक्शन बट स्टेट, आई लाइक स्विमिंग। तो फ्रेंड्स, आप आज हमने सेकंड पार्ट टू पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट और फ्रेंड्स एट दी एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। लास्ट